की जय। गांधी तू कहाँ रहा? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो मैं आया हूँ खाटू श्याम, खाटू श्याम वाले बाबा की जय हो। और ये है मेरा दोस्त गांधी है इसका नाम, इसी की वजह से इसके पापा लेके आते हैं, बस देखो। अरे तुम हटाओ ना, क्या है? तो ये है हमारी फाइव स्टार, नहीं ये भी हमारी बहुत बढ़िया वाली बस वोल्वो, ठीक है। और अभी हम खाटू श्याम पहुँच चुके हैं, अब हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे, पहले हम नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद हम पहुँचेंगे खाटू श्याम। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, अब हम अपनी धर्मशाला की तरफ बढ़ रहे हैं और देखो कितना प्यारा मौसम है। ओए होए, सूर्य नारायण देव की दशा हमारे मुख पर सीधा बस। और ये है माखंड द ढाबा, माखंड द ढाबा ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या है। तो मैं 3-4 साल बाद खाटू श्याम आया हूँ और बहुत ही बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, पहले यहाँ पे खेत हुआ करते थे। और ये है हमारा बाबू नंबर वन। अच्छा, हॉस्पिटल भी है क्या यहाँ पे कोई? ये क्या है? तो यहाँ कुछ नई नई चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। इधर इधर देखो, चाय मिलती है वैसे वाली, कुल्हड़ वाली चाय, आप देख लो कुल्हड़ वाली चाय मिलती है। बहुत लोग आए हुए हैं, अगर आप पीछे देखोगे तो टूरिस्ट यहाँ बहुत है। पुलिस व्यवस्था भी है यहाँ पर पूरी की पूरी। हाँ, मेरे को कमेंट में आके ज़रूर बताना आप लोग कौन कौन खाटू श्याम आया है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान का, बहुत ही ज़्यादा, अमेरिका से भी लोग आते हैं। बोलते हैं कोई जो भी यहाँ पे मन्नत मांगता है ना, उसकी मन्नत कंप्लीट हो जाती है, ऐसा यहाँ का मान्यता है। मैं एक बार आया था, अब मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। और ये बहुत अच्छा, क्या है ये? श्री श्याम सत्संग। अच्छा, ये भी कोई ट्रस्ट, ये धर्मशाला है, कोई बहुत बड़ी धर्मशाला। तो हम अपनी धर्मशाला का रास्ता बोल चुके हैं अभी, धर्मशाला का रास्ता बोल के देखो ये है। ये भाई तो हमें गलत धर्मशाला में लेके जा रहे हैं। हाँ, ये आदमी हमें गलत धर्मशाला में लेके जा रहा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है। और मेरी कमर की बैंड बज गई है, पूरी रात मैं जागा हूँ, नींद यहाँ पर आई नहीं बिल्कुल भी मेरे को। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। रिक्शा रिक्शा सब चल रही है भैया, यहाँ तो पूरा का पूरा भर गया है मामला। हमारी धर्मशाला ये, और यहाँ तो अरे ये तो लंगर लग रहा है पहले से ही यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी सी हमारी धर्मशाला। यहाँ पे हम खाना, यहाँ पे देखिए बहुत पहले से ऑलरेडी लोग खाना खा रहे हैं और बहुत अच्छी खाने की व्यवस्था है, कैफेटेरिया टाइप का बना हुआ है। ओए होए 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 होए। दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ, अब हम पहुँच गए हैं खाटू श्याम की मार्केट में। होते हुए हम बाबा जी के मंदिर जा रहे हैं और आप देखिए यहाँ मार्केट है और बहुत सारे भगत आते हुए हमारे सामने से पीछे से जाते हुए। और ये हमारा लाडला अपना बच्चा, इसका नाम है क्या है, इसका नाम पता है क्या? गांधी। और ये देखिए आप मार्केट देख सकते हैं, यहाँ पर कितना अच्छा सा मार्केट लगा हुआ है। हम दर्शन करने जा रहे हैं और उस तरफ से आप देखो कितनी भीड़ आ रही है दर्शन करके लोगों की, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज का हमारा। वो कुल्फी आते समय खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, मौज बनाएंगे, सब करेंगे, बस पहले बाबा के दर्शन कर लें एक बार। और जब तक आपको मैं पीछे का माहौल दिखाता हूँ, तो ये सभी यात्री लोग दर्शन करके आ रहे हैं और आप देखो हम नंगे पैर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, नंगे पैर जाते हैं दर्शन करने के लिए वहाँ पर। और यात्रियों को देखिए आप लोग, ¡Gracias!
अब हम बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं मंदिर के, बस हम पहुंचने वाले हैं। क्या हुआ, चलो प्रसाद ले लिया? हमने तो ले लिया। चलो भाई, हमारे साथ वाले पीछे रह गए और हम आ गए। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। पहले ये एग्जिट था, मेरे को पता है यहाँ से एग्जिट हुआ करता था पहले। चलो 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 आराम से चलो। बोलो शाम प्यारे की जय। बैठ के पीछे बुलेट लगी दोस्तों। ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया है देखो, और ये एक नंबर का धोखेबाज आदमी है, ये देखो इसे। और ये धोखेबाज, ये बोलते हैं कि हम 5 तरीके के पकौड़े खिलाते हैं, पनीर का पकौड़ा कहाँ है, इन्हें पता ही नहीं है। पनीर का पकौड़ा तो भाई, पनीर के पकौड़े कहाँ है भाई, बनवाए नहीं है, रिपोर्ट में आ गया भाई। ये बहुत बड़े धोखेबाज आदमी है, और मैं रोशन बिहार में जाके कमेटी करूंगा अभी। पनीर टिक नहीं ला वैसे भाई, कहीं मैंने सुना भाई, वो दूसरे वाले सुना रहे हो तो पनीर के पकौड़े खिला रहे। पालक के पकौड़े हैं क्या? बड़े यार, ये पालक वाले हैं भाई पकौड़े। लो भाई, ये तो भाई शाम के ही बनना इतना आसान नहीं है। खीरे प्याज भाई करने के सब सेवा देनी पड़ती है यहाँ, इतना आसान नहीं है श्याम प्रेमी बनना। हर कोई नहीं बन सकता श्याम प्रेमी, ये बात याद रखना। ये देखो रात के 3 बजे से खीरे काट रहे हैं, ये देखो भाई रात के छील रहे हैं भाई। भट्टी चालू होने हो चुकी है, व्यवस्था बहुत तगड़ी है।
और ये देखो हमारी श्याम प्रेमी मेन, तो बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का काम सामना है श्याम करते हुए। हाँ। और खीरे और प्याज को कितनी बेदर्दी से काटा जा रहा है यहाँ पर, देखिए। हाँ, देख लो लग गया है, बस लग रही हो तो आगे ला दी है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी रही है। ये देखिए सामान कितना बचा हुआ है हमारा, आइटम हाल है इसका।